टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी चक्की में कमलनाथ को पीस दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, पर पार्टी के अंदर की गुटबाजी कांग्रेस को लगातार परेशान कर रही है। विरोध के स्वर तेज होने के बाद कांग्रेस को कई उम्मीदवार भी बदलने पड़े हैं। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश की है। वहीं कुछ दिन पहले कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का कुर्ता फाड़ने की बात कही थी, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई चक्की चल रही है। कमलनाथ कहते हैं कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, पर अब तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को ही पीस दिया है। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कुर्ते फाड़ने की बात कही थी, पर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा कर कमलनाथ का ही कुर्ता फाड़ दिया है। कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह को पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो अभी से ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो अभी से वो मशीन पे दोष मार के और छुट्टी पा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।